खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सीनियर सिटीजन के लिए नियम कानून कायदे नीति आयोग सब होने के बावजूद भी बार बार होते हैं। पता रीत लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारे देश में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के साथ कई तरह के न्याय और अत्याचार होते हैं। यह विसंगतियां अब छोटे शहरों में भी बढ़ती जा रही है। घर परिवार के लोग अपने बड़े बुजुर्ग की सही देखभाल नहीं करते हैं और ना ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। परिवार के बुजुर्गों के साथ ध्रुव व्यवहार करते हुए उनकी संपत्ति अभी छल कपट से अपने नाम करवा लेते हैं। लीगल एडवाइजर गिप्पी द्वारा बताया गया कि देश में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण हो जाए ताकि एक सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत दर्ज करा सके। ट्रिब्यूनल फास्ट कोड ट्रैक की तरह कार्य करे और उनका निर्णय सप्ताह या एक पखवाड़े में आ जाए। पीड़ित सीनियर सिटीजन को अपने अधिकार के लिए जगजीत याचिका की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकार को सीनियर सिटीजनों के लिए विशेष कोर्ट चलाना की अति आवश्यकता है, जिससे अन्याय और अत्याचार से जूझ रहे सीनियर सिटीजन को न्याय मिल सके। इंदौर से रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। मैडम बताएं क्या उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसके लिए आ जाते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। और इंदौर एक बहुत सुंदर शहर है और मेरा यहाँ पर आने का आपके सुंदर शहर में एक ही कारण है कि वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के मेरी मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई थी। और अभी सुनने में ये आया है कुछ एक दिन पहले ही कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ एक लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ में कहीं उनको शिप्रा नदी के वहाँ पर छुड़वा दिया था, लेकिन बाद में हमारे जो सीएम साहब हैं और हमारे कमिश्नर साहब, उन्होंने सबने ये इमिडिएटली एक एक्शन लेकर के उनको वापस शहर में लेकर आए। तो सबसे पहली बात तो यही कि मैं यही बात करने आप सब लोगों से आई हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार क्या हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उनकी सुरक्षा की बात अब होनी चाहिए और उनके जो अधिकार हैं वो उनको दिलाए जाने चाहिए। इसी के लिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं चाहती हूँ कि अब जो समय आया है, हम महिलाओं के ऊपर बात कर चुके हैं, महिलाओं का शोषण तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वहीं अब हम देख रहे हैं कि आते आते पुरुषों का विचारों का जिनका शोषण हो रहा है वो बिल्कुल चुप हैं, पुरुष वर्ग खामोश है। लेकिन अब जब अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो लेट मी ऑल्सो स्पीक अबाउट द सीनियर सिटीजन्स कि चलिए अब पुरुषों की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा है समाज का कि उनके साथ क्या शोषण हो रहा है, तो चलिए फिर सीनियर सिटीजन्स की बात कर लेते हैं कि उनके साथ क्या शोषण हो रहा है। कम से कम वहाँ तो हम पुरुष वर्ग को सम्मान दें, कम से कम वहाँ तो माता को सम्मान दें, पिता को सम्मान दें, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आई हूँ आपके शहर में, इसी के लिए आई वॉन्ट टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू कि ये अब बंद होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कितना बेहतर कर सकते हैं, हम सब मिलके एक सुंदर समाज बना सकते हैं और हमारी घर की जो बहुएं बेटियां हैं वो भी समझे कि अब वक्त आ गया है कि आपको बाहर नहीं आपको अंदर झांकना है। जब घर ही आपका सुंदर नहीं होगा तो आप बाहर समाज को कहाँ सुंदर बना सकेंगे। आप देश में जगह जगह घूमते रहते हैं, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हालत खराब है जहाँ बुजुर्गों को ज़्यादा शोषण हो? महाराष्ट्र में जी बिल्कुल। और सबसे कम जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि इंदौर शहर में अब जो स्टैटिस्टिक्स आया है 2020 का बिल्कुल जीरो है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, वही बात को लेकर मैं कमिश्नर साहब को बधाई देने गई थी कि मैं बहुत खुश हूँ। और आपके यहाँ बहुत अच्छे जो हैं पुलिस ऑफिसर मिस्टर प्रशांत चौबे जी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, तो मैं उनको साधुवाद देती हूँ इस बात के ऊपर और साथ में ही आपके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को और आपकी सरकार को। केंद्र सरकार जो काम कर रही है पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की, जी सर, वो इस क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, आपका आकलन क्या रहा है? सर, आकलन ये रहा है कि 10 जितनी भी स्कीम्स अभी योजनाएं आई हैं सीनियर सिटीजन के, चाहे वो LIC पॉलिसी के साथ जुड़ करके सीनियर सिटीजन पॉलिसी आई है, चाहे वो मॉर्टगेज करने की उनकी सरकार की व्यवस्थाएं रही कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है हम मॉर्टगेज करते हैं उनको और आपको उसके अधिकार में लोन देते हैं ताकि आपके बच्चे उससे छीन नहीं पाए,
पाएंगे। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं सरकार ने की है, तो मैं फिर से मोदी सरकार को बधाई देती हूँ। जो लोग आपको देख पा रहे हैं इस समय इंदौर के बाहर पूरे देश के और जो परिवार आपको देख पा रहे हैं उनके लिए छोटा सा क्या संदेश रहेगा, आप क्या संदेश चाहते हैं कि वो बुजुर्गों की देखभाल कैसे करें? हमने माता पिता को भगवान माना है, अगर आपने भगवान माना है तो आप हम सबके साथ जुड़िए और उन भगवान की जो हमारे घर में जो ईश्वर स्वरूप रह रहे हैं आज उनकी कदर कर लीजिए। अगर वो कल चले गए तो फिर आप अपने भगवानों को ढूंढते रहेंगे और जिस तरह से आज आप उनकी हालत कर रहे हैं कल आपकी भी हालत इससे ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसलिए कोशिश करिए, क्योंकि मैं बहुत भावुक हूँ और एक महिला भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप महिलाएँ खास तौर पर, हम कहते थे कि सास जो है वो बहू का शोषण कर रही है, बहू है जो सास का शोषण, अब ये सब बंद करिए शोषण की बातें। अब हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इन वरिष्ठ नागरिकों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमारे माता पिता जो हैं वो सब कुछ है हमारे लिए। आपका नाम? मेरा नाम दीप्ति सुतारिया है और मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। थैंक यू सो मच।